इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मथुरा नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में जल्दी सुधार का आश्वासन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मथुरा नगरी वासियों को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मथुरा वृंदावन नगर निगम और व्यापारियों से बैठक कर जल्द ही समस्या का जल्द निस्तारण किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए प्रशासन द्वारा मिनट्स तैयार किए गए। वर्तमान में होली गेट से डी गेट की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर बीचों बीच में पार्किंग बनी हुई है और स्टेट बैंक चौराहे से नया बस स्टैंड की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर खड़क से बीचों बीच में बैचिंग लगी हुई है, जिससे नगर वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारकाधीश मंदिर और होली गेट तक चार पहिया वाहन, ई रिक्शा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके क्षेत्र में ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों का आतंक देखा जा सकता है, जिसके चलते इस क्षेत्र का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है तथा आए दिन झगड़े होते हैं। सर, एक कलेक्टिव वाली पार्किंग है, अगर सर इसका थोड़ा सा निस्तारण हो जाए। वृंदावन ही नहीं, अब मथुरा भी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? अभी जो मीड वे पार्किंग के तौर पर व्यापारियों के लिए होली गेट से जो बनाई गई है पार्किंग, उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, होली गेट से जो चंपा गवाल कॉलेज की तरफ रास्ता आता है, उस पर पहले जो दुकानें बनी हुई थी उसके साइड में पार्किंग होती थी। स्थानीय लोगों के अनुरोध पर वहाँ पर टीम ने भ्रमण किया, जिसमें ट्रैफिक विभाग था, नगर निगम था, और इतना हुआ कि अगर बीच में पार्किंग करा दिया जाए तो सहूलियत हुई। लेकिन वहाँ के व्यापारियों की का कहना है कि उससे समस्या कम नहीं हुई है, जिसको हम लोग फिर से परीक्षण करा लेंगे और अगर कोई इसमें परिवर्तन जरूरत हुई तो हम लोग इसी परिवर्तन कर लें। तो मैं इसमें नगर निगम और ट्रैफिक विभाग से बात करके इस समस्या की जानता हूँ। स्टेट बैंक और अन्य कुछ मार्गों के सामने बैरिकेटिंग लगा दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी। बैरिकेटिंग इसी उद्देश्य से लगाई गई कि वन वे रहे और ट्रैफिक लगातार चलता रहे। बैरिकेट न लगाने से लोग आमने सामने गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इससे जाम लगता है। लेकिन लगातार जो भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं उसका हम परीक्षण भी करेंगे, अगर कोई परिवर्तन की जरूरत होगी तो हम लोग परिवर्तन। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।